अस्सलामुअलैकुम जी, मेरा नाम यहिया खान है और आवारा गर्दों की दुनिया में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बलूचिस्तान के एक खूबसूरत शहर जिसका नाम है खुजदार और मैं कल रात यहाँ पर पहुँचा था। आप मेरे पीछे होटल देख सकते हैं, रात मैंने यहाँ पर गुजारी। आज मैं थोड़ा सा खुश भी हूँ और थोड़ा सा सैड भी हूँ। थोड़ा सा खुश इसलिए हूँ कि आप मेरे पीछे एक आशिकाना किस्म का मौसम देख सकते हैं, लाजवाब मौसम है। और सैड इसलिए हूँ कि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ वहाँ का पानी क्रिस्टल क्लियर है। तो अगर ये बारिश हो गई, आप मेरे पीछे बादल देख सकते हैं, तो भाई साहब हमें वो क्रिस्टल क्लियर पानी फिर नहीं मिलेगा। तो अभी इस वक्त सुबह के 7 बजे हैं और अभी मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ सीधा मौला चटोक के लिए। मौला चटोक यहाँ से तकरीबन 120 किलोमीटर दूर है, लेकिन आप वीडियो फॉरवर्ड मत कीजिए क्योंकि मौला चटोक से पहले मैं आपको एक सरप्राइज देने वाला हूँ। तो चलिए मेरे साथ। खुजदार मेरे ख्याल से बलूचिस्तान का क्वेटा के बाद दूसरा बड़ा शहर है। यहिया खान जा रहा है मौला चटोक की तरफ, थोड़ा सा शहर भी देखना चाहिए ना। और सूरज चाचा आप देख सकते हैं निकल गया है, अच्छी बात है। सुबह सवेरे मैंने दुआ की अल्लाह बारिश ना हो, क्योंकि जहाँ पर मैं जा रहा हूँ अगर वहाँ पर बारिश हो गई ना तो फिर खूबसूरती ख़त्म सब कुछ। अल्लाह का करम है सूरज निकल आया। और गूगल बाबा से भी मैंने पूछा, गूगल बाबा ने भी कहा कि आज बारिश का कोई इम्कान नहीं है। तो मैंने उसका भी शुक्रिया अदा किया, मैंने बोला चलो यार ये तो और भी अच्छी बात हुई। ये क्या है यहाँ पर यार, ये लोग इतने सारे लोग क्यों जमा है? मेरे ख्याल से यहाँ पर मंडी लगी है, बिल्कुल यहाँ पर मंडी लगी है, बकरा मंडी है ये। ठीक है जी, ठीक है। मेरे ख्याल से ये मेन चौक है और पता नहीं इस चौक का नाम क्या है। अगर आप खुजदार से हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इस मेन चौक का नाम क्या है। और ये मैं पहला चौक देख रहा हूँ जिसके दरमियान में एक प्लाजा बना हुआ है। मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में कहा था कि मैं आपको एक सरप्राइज़ देने वाला हूँ, तो फिलहाल हम उसी सरप्राइज़ की तरफ जा रहे हैं। मौला चटोक बाद में जाएंगे, सबसे पहले मैं आपको सरप्राइज़ देना चाहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी सरप्राइज़ हुआ था। मुझे खुद भी इस चीज़ का पता नहीं था और 99% लोगों को पता नहीं है। सीधा आते हैं खुजदार, खुजदार से सीधा जाते हैं मौला चटोक की तरफ। इस जगह के बारे में किसी को पता नहीं है, नाम नहीं बताऊंगा भाईजान। इसी को सस्पेंस कहते हैं और इसी को स्टोरी टेलिंग कहते हैं। ऐसी चौक मैंने सिंध में बहुत देखे हैं, पहली बार मैं बलूचिस्तान में देख रहा हूँ। ये जो छोटा सा मीनार बना होता है उसके ऊपर खुदा के नाम लिखे होते हैं, ऐसी चौक आपको सिंध में बहुत मिलेगी। मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए हैं, जेब में 1 रुपये भी नहीं है। अल्लाह करे कि ATM काम करे। ATM है भी कि नहीं है ये भी एक सवाल है। ओ हाँ है, और है तो है, लेकिन अल्लाह करे कि पैसे हो उसमें और काम करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये नहीं दिखाऊंगा। अरे रसीद नहीं चाहिए भाई, 3 रुपए का पड़ता है इसका। जो ये जो आवाज है ना, वाह क्या बात है इसकी यार, जल्दी करो यार, बेड़ा घर को यार काट दे दो वापस। हाँ भाई मैंने बहुत दूर जाना है, प्लीज मेरा कार्ड दे दो, पैसे नहीं चाहिए। देखो वेलकम, चलो जी एक बार फिर ट्राई करते हैं। अल्लाह करे कि इस बार पैसे मिल जाए। ओ तेरी खैर जियो, ऐसे करारे नोट हुआ, क्या बात है यार, क्या बात है, UBL की जय हो। बिन तेरे जिंदगी से खौफ लगता है, जल्दी करो यार। यार ये मेरी बाइक की ब्रेक नहीं लग रहे, ब्रेक लगती है लेकिन गाड़ी नहीं रुकती, पता नहीं क्या मसला है। यहाँ पर एक मिस्त्री है उससे चेक करवाता हूँ, क्योंकि जिस तरफ हम जा रहे हैं वहाँ पर उतराई और चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। लगता है मेरे ब्रेक शू ख़त्म है यार, हार्ड हुए हैं।
सख्त। अच्छा हार्डवेयर। अच्छा जी, तो मेरे लेदर चेंज, मेरे लेदर से मतलब मेरे बाइक के लेदर चेंज हो गए हैं। और जब मैं पहली बार उस्ताद जी के पास आया तो मैंने सोचा यार मैं जयकांत शेखरे के पास आया हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। उस्ताद जी का असल नाम है अब्दुल गनी और बहुत ही लाजवाब और खूबसूरत इंसान है और मतलब इंतहाई खुश अखलाक इंसान है। वैसे मुझे पता नहीं था लेकिन खुशदार में यहाँ पर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट भी है, एक छोटा सा है, नन्ना सा मुन्ना सा एयरपोर्ट है, लेकिन एयरपोर्ट भी है। और मुझे ये यहाँ पर ये बोर्ड से पता चला, अभी मैं यहाँ से गुजर रहा था तो आप देख सकते हैं यहाँ पर खुशदार एयरपोर्ट। खुशदार को मैं एक छोटा सा कस्बा समझ रहा था, लेकिन इसका शुमार बलूचिस्तान के बड़े शहरों में होता है। शहर के अकब में एक छोटा सा एयरपोर्ट है और इसी जगह पर वो सरप्राइज मौजूद है जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्ट में किया था। एयरपोर्ट से गुजरते हुए किसी ने मुझे बताया कि यहाँ पर 2 किलोमीटर दूर एक सहाबी का कब्र है और मैं उस कब्र की तलाश में निकल गया। मेन रोड से एक छोटा सा रोड अलग होता है और इस रोड पर एक छोटा सा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान के अंदर एक कमरा है और इस कमरे के अंदर एक बड़ा सा कब्र मौजूद है और ये कब्र हजरत सनान रजी अल्लाह ताला अन्हु का है। बाज़ मुअर्रिखीन का दावा है कि हजरत सनान का मजार पिशावर से 21 किलोमीटर दूर चगरमटे के करीब वाक़ है, जो कि मकामी लोगों में असहाब बाबा के नाम से मशहूर है। लेकिन मौलाना अबू जफर नदवी अपनी किताब तारीखी सिंध में लिखते हैं कि हजरत सनान मोहम्मद बिन कासम से पहले समंदर के रास्ते खुजदार आए थे और सहाबी रसूल हजरत सनान ने खारार और खुजदार को फतह किया। और मजीद लिखते हैं कि बरे सगीर में बाबुल इस्लाम सिंध नहीं बल्कि बलोचिस्तान है। तो जनाबे वाला ये है मुसर्रत सन्नान बिन सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कब्र मुबारक और मेरा ख्याल है कि इस्लाम इस सहाबी के हाथों हम तक पहुंच गया है, मेरा ख्याल है। बहुत सारे लोग वो मोहम्मद बिन कासम के बारे में भी ऐसा कहते हैं और मोहम्मद बिन कासम ने जो मस्जिद बनाया है, जो जगह वगैरह है, वो सब कुछ आप मेरे सिंफ वाले सीरीज़ में देख सकते हैं, लेकिन मुझे मोहम्मद बिन कासम वाली बात थोड़ी सी कमज़ोर लगती है। अब उसकी एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम के बारे में तो आपको पता होगा कि मोहम्मद बिन कासिम एक लड़की के पुकार पर अरब से सिंध पहुंच गया था और फिर उसने बहुत बड़ा कारनामा किया था वगैरह वगैरह, आपको तो पता होगा इस कहानी के बारे में। लेकिन मेरा नहीं ख्याल, उसकी वजह ये है कि मोहम्मद बिन कासिम हजाज बिन यूसुफ का जर्नल था। हजाज बिन यूसुफ खुद जो है हजारों लोगों का कातिल था और एक कातिल इंसान में मतलब इतनी ईमान पता नहीं कहाँ से आ गया कि वो एक लड़की के पुकार पर अरब से यहाँ तक पहुँच गया। मेरा दिल इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है जी। बाद में मोहम्मद बिन कासिम का अंजाम क्या हुआ वो भी एक लंबी कहानी है, अभी मैं इस व्लॉग में इसको शामिल नहीं कर सकता, लेकिन वो जो कहानी है वो मेरे दिल को नहीं लगती, मतलब मेरा दिल उसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये बात सही लगती है कि इस्लाम हमको इस सहाबी के हाथों पहुँच गया है, मेरा दिल कहता। बाकी सही बात क्या है वो तो अल्लाह को पता है। 100% कन्फर्म बात वो मुफ्तियों का काम है, कोई मुफ्ती आपको बता सकता है, मैं नहीं बता सकता। जो मेरे दिल को लगता था वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको क्या लगता है, आपका क्या ख्याल है इसके बारे में, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। अभी टाइम हो गया है 12 बजे और सफ़र काफ़ी लंबा है, तो जल्दी से निकलते हैं मौला चटोक की तरफ।
पुजदार के ऊपर मैंने जितनी भी वीडियोस देखे हैं वो सारे के सारे कराची की तरफ से बने हुए हैं, और कराची से अगर आप मौला चौक की तरफ आते हैं ना तो उसका रास्ता बहुत खूबसूरत है। ख़ास तौर पर वहाँ पर एक जगह है जिसको वांगो हिल्स के नाम से याद किया जाता है। वांगो हिल्स बाबूसर टाइप की एक चढ़ाई है, वो भी काफ़ी अच्छी जगह है, काफ़ी खूबसूरत जगह है। तो मैं सोच रहा था यार वो साइड बहुत अच्छा है, वो बहुत खूबसूरत है, इस तरफ से मुझे पता नहीं सीनरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप इस तरफ भी देख सकते हैं यार क्या सीनरी है यहाँ पर। मुझे तो अपने जो गिलगित बल्तिस्तान की वीडियोस है ना उसकी याद आ गई। अभी तकरीबन 1 बज गया है और मैं जल्द से जल्द पहुँचना चाहता हूँ, क्योंकि अभी ये जो पक्का रोड है ये भी ख़त्म होने वाला है, फिर हमें लेफ़्ट साइड पर मुड़ना पड़ेगा मौला चटोक की तरफ, और फिर वो रास्ता कच्चा है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं दिन की रोशनी में वो सारा सफ़र करूँ। क्या बात है जी, क्या बात है, क्या बात है, पहाड़ों की शेप आप देख सकते हैं यार, क्या खूबसूरत पहाड़ है यहाँ पर, और इसमें जो डिज़ाइन बना हुआ है यहाँ पर वो भी अमेजिंग है। गवादर वाली वीडियो देखी है ना, और बल्कि वो पूरी कोस्टल हाईवे की वीडियो देखी है, तो उसमें मैंने आपको बड़े अजीब और गरीब किस्म के पहाड़ दिखाए थे, लेकिन ये जो पहाड़ है ये जो आप सामने देख रहे हैं ये उन सब में से मुख्तलिफ है। मतलब जो शुमाली इलाका जात में है उससे भी मुख्तलिफ है, और जो गवादर में है उससे भी मुख्तलिफ है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं खूबसूरत दरिया मौजूद है, लेकिन अभी चूंकि फरवरी का महीना है तो यहाँ पर पानी काफ़ी कम है, लेकिन अगर आप यहाँ पर जून जुलाई में आते हैं तो यहाँ पर काफ़ी पानी होता है, अभी कम है, इस दरिया में पानी आया ही नहीं। और मेरे ख्याल से इस जगह का नाम है बलोनक, बलूनक या बलोनक जो भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चाचा क्या हाल है? ठीक ठाक हो? अल्लाह का शुक्र है। मैं मौला चटोक ये वो रास्ता है ना? हाँ। अच्छा बिल्कुल, ये इसी रास्ते पर सीधा है ना, ये कच्चा है ना? हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये बंद है, चलो जी शुक्रिया शुक्रिया। मुझे भी थोड़ा सा शक हुआ, मैंने बोला शायद ये रास्ता जो है ना नीचे जो कच्चा रास्ता है ये सीधा मौला चटोक की तरफ जाता है, लेकिन फिर भी मैंने पूछना मुनासिब समझा, असल में मोबाइल में चार्ज ख़त्म हो गया। अभी आप में से कुछ दोस्त ये कमेंट करेंगे या भाई अपने बाइक में जो है ना चार्जिंग सिस्टम लगाओ, मेरे भाई आपकी बात 100% ठीक है, लेकिन वो जो चार्जिंग सिस्टम है ना वो एतबारी नहीं है, मतलब अच्छी क्वालिटी की चार्जर मुश्किल से मिलती है, तो वो मैं नहीं चाहता कि अपना जो महंगा मोबाइल है मेरा उसकी बैटरी ख़राब हो जाए, ना मैं उससे अपने ड्रोन वगैरह रिचार्ज कर सकता हूँ। एक ड्रोन की एक बैटरी जो है ना 15 से 20 हज़ार रुपये की है, वो जो चार्जिंग है ना वो स्टैंडर्ड क्वालिटी नहीं होती। वो बस आप दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे एक अच्छा सा सुजुकी बाइक दे, वो जो 250 सीसी है, तो उसका पावर भी ज़्यादा है और यहाँ पर उसकी जो टच स्क्रीन है ना यहाँ पर उसमें मैप लगा होता है, GPS लगा होता है, फिर यहाँ पर मोबाइल लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। और ये जो कच्चा रास्ता मुड़ता है ना इस मकाम का नाम है बलोनक, और यहाँ से रास्ता मुड़ता है सीधा मौला चटोक की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। चटोक की तरफ ये रास्ता है या वो? ये रास्ता जा रहा है, आगे बोर्ड लगा हुआ है। अच्छा
ठीक है जी, शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। मुर्शिद होटल, अच्छा जी, इसका नाम मुर्शिद के नाम पर है, तो यहाँ पर तो चाय पीना पड़ेगा। अभी चाय मिल जाएगी? क्या हाल है? चाय जो बनाते हो वो दूध में है या मिल्क पैक में है? गाय का है। अच्छा ठीक है, फिर एक कप चाय बनाओ मेरे लिए जल्दी से। चाय अच्छी थी, मुर्शिद के नाम पर होटल है यार, चाय कैसी अच्छी नहीं होगी। चलते हैं, बहुत दूर है अभी। और जनाब वाला, यहाँ से रास्ता मुड़ता है मौला चटोक के लिए। यहाँ पर मैं वो बोर्ड भी आपको दिखाता हूँ, पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं है? नहीं है जी। ये आप देख सकते हैं सामने मौला चटोक, 56 किलोमीटर है यहाँ से। और ये जो 56 किलोमीटर है इसमें कुछ रास्ता कच्चा है और कुछ पक्का है। खैर जो भी हो यार, हमने तो पहुंचना है भाई साहब, हमने तो पहुंचना है। अब पता नहीं मौला चटोक कैसी जगह होगी, खूबसूरत होगी नहीं होगी, पता नहीं है मुझे अभी इस वक्त। लेकिन इसका जो रास्ता है ना भाई साहब, वो फुल पैसा वसूल है। ये भी बाइकर्स है मुसाफिर है, पता नहीं कहाँ से आया। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है? अल्लाह का करम है भाईजान, ठीक ठाक हो? कैसे हो? अल्लाह का करम, कैसे हो? ठीक ठाक हो? क्या हाल है? ठीक ठाक है सब? नहीं नहीं शुक्रिया। अच्छा दिल से पिला रहे हैं? चलो जी पिलाओ। नहीं नहीं बस मेरे ही बैठने वाले, मैं थोड़ा सा कमर सीधा करूंगा, थोड़ा सा मैं कड़ा। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं आप? कलात से। अच्छा मैं आ रहा हूँ कलात इंशाल्लाह, दो तीन दिन में इंशाल्लाह पहुंच रहा हूँ। नहीं मैं पेशावर से। अच्छा, अकेले? बस अल्लाह मेरे साथ है। आप भी व्लॉग बना रहे हो? हाँ मैं व्लॉग। अच्छा। बस बना लिया? बना लिया, हो गया मतलब। वैसे दिल करता है यहाँ पर ड्रोन उड़ाओ, ड्रोन शॉट के लिए एक अच्छी जगह है। लेकिन वही मसला कि दो बैटरी बाकी है भाई साहब। अगर मुझे वहाँ पर कोई चार्जिंग का सिस्टम मिल गया तो वापसी में मैं यहाँ का ड्रोन शॉट ले लूँगा। मुझे गिलगित बल्तिस्तान की याद आ गई यार, क्या कमाल की जगह है यार ये तो। लो जनाब, वो फंस गया है, वो 70 है, उसके वज़न भी इतने नहीं है। मैं भी पसूंगा लेकिन अल्लाह मालिक है, अल्लाह मालिक है इंशाल्लाह। चलो जी, बचो 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 बचो, ओ तेरी खैरा, जियो यहिया खान। मौला चटोक में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। यहाँ पर आते हुए खुजदार में लोगों ने मुझे कहा था कि मौला चटोक में रिजॉर्ट बना हुआ है, होटल है, गवर्नमेंट ने सब कुछ बनाया है। लेकिन यहाँ पर पहुँचने के बाद ये रिजॉर्ट मिला, चंद कमरे बने हुए हैं जो कि बिल्कुल वीरान पड़े हैं। और पूरे रास्ते में बारिश की वजह से शदीद भूख लगी थी और मैं आसमान की तरफ देख रहा था कि अब मैं यहाँ पर क्या खाऊंगा। फिर मुझे ये भाई मिला, बलोच है, और इसने मुझे कहा कि आओ हमें ज्वाइन करो। भैया चले, आप हमारे साथ, सवैया तैयार है, आप थके हुए हो, चले। सवैया तैयार है जी? हाँ। क्या बात है जी, चाय भी? हाँ चाय भी है, ये हुई ना बात। एक मिनट, मेरे तो शूज
बिल्कुल गीले हैं भाईजान। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया यार, यकीन करें मुझे बहुत भूख लगी थी। और आप तो माशाल्लाह ग्रुप है ना, तो सब कुछ आप लोगों ने बनाया। फैमिली के बंदे, हाँ। एक फैमिली से। चलो जी ठीक है, माशाल्लाह। आप सब बाइक पर है ना, बाइक पर आए हैं, मतलब सब की सब आवारा कर देना, अपने कबीले के लोग है। जी हो जी, अपने घर के एक फिल्म। सुबह बखैर जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह सुबह हो गई है। कल मैंने तकरीबन 5 घंटे सफ़र किया था, बहुत थक गया था, रात को अच्छी नींद आई और अभी सुबह हो गई है। और अभी यहाँ से मौला चटोक के लिए कम से कम 1 घंटा पैदल सफ़र है, और अभी मैं वो पैदल सफ़र शुरू करने वाला हूँ। लेकिन यहाँ पर 2 चैलेंजेस हैं। पहला चैलेंज मौसम है, आप मेरे आसपास देख सकते हैं, घने बादल हैं और काले बादल है और बहुत गुस्से में है और पता नहीं मेरे साथ आज ये क्या करने वाले हैं। और दूसरा जो चैलेंज है वो ये है कि वहाँ पर मौला चटोक में पानी है, बहुत ज्यादा पानी है, मतलब उस पानी को आप बगैर किसी सहारे के पार नहीं कर सकते। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप्स आए हैं तो ये वहाँ पर रस्सी बांधेंगे और उस रस्सी को पकड़ के हम जो है ना मौला चटोक के उस पार जाएंगे, क्योंकि असल खूबसूरती उस तरफ है। तो ये 2 चैलेंजेस हैं, अल्लाह मालिक है, अल्लाह का नाम लेते हैं और अपने आज का सफर शुरू करते हैं। तो चलिए मेरे साथ। तो जनाब वाला, बारिश शुरू हो नहीं रही बल्कि बारिश शुरू हो गई है, और यहाँ पर गांव वालों ने मुझे बताया कि आज रुक जाओ, आज मौसम ठीक नहीं है, कल सुबह चले जाओ, ऐसा करो यही सीन वापस चले जाओ क्योंकि अभी मौसम ठीक नहीं है। तो मैंने उसे कहा मेरे भाई, अपना मिशन अधूरा नहीं छोड़ सकता, मैं अपना मिशन मुकम्मल करूँगा और आज ही मुकम्मल करूँगा इंशाअल्लाह। या अल्लाह मदद बोल के अपने आज का सफ़र शुरू करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सोने के पहाड़ हो, तो मैं हाथ लगा रहा हूँ, ऐसा लग रहा है सोने के पहाड़। अभी चलते चलते यहाँ पर मुझे एक ख्याल आया कि मुझे यहाँ पर एक 3 किलो का पत्थर, वो भी सोने का, मिल जाता है, मैं उसे बेचता हूँ और एक अच्छा सा बाइक लेके सबसे पहले मैं मिडिल ईस्ट निकलता हूँ, उसके बाद यूरोप, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। मस्त प्लान है, इंसान पता नहीं क्या क्या सोचता है यार, क्या क्या सोचता है। यहाँ पर आप जैसे जैसे आगे जाते हैं तो पहाड़ों के जो शेप है वो मुख्तलिफ हो जाती है। अभी यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ के पहाड़ वहाँ के पहाड़ों से काफ़ी मुख्तलिफ है। अच्छा जी, तो अभी तक तो मैं सफ़र कर रहा था, पानी सिर्फ घुटनों तक आया था, लेकिन अभी अभी सफ़र करेंगे और पानी यहाँ तक आएगा, और पता नहीं मैं वहाँ से कैसी गुजरूँगा क्योंकि मेरे साथ कैमरे वगैरह है, लेकिन देखता हूँ, अल्लाह का नाम लेते हैं और चलते हैं। तकरीबन 1 घंटा पैदल सफ़र करने के बाद मौला चटोक में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मौला बलूची जुबान में छोटी सी जगह और चटोक अबशार को कहते हैं। वैसे दूर से देखा जाए तो हर तरफ चटियल पहाड़ है, लेकिन पहाड़ के दामन में इंसान को हैरत में डालने वाले मनाजिर हैं। ये जो नक्शनिगार आप देख रहे हैं ये पानी की मेहनत है जो इसने पिछले लाखों सालों से किया है। इस पानी में कुदरती गीजर लगा हुआ है, यह ना तो ठंडा है और ना गर्म है। मैं इस पानी का क्या तारीफ करूं,
बस इतना कह सकता हूँ कि इस पानी में नहाने के बाद आपका जिस्म पूरी जिंदगी आपको दुआएं देंगे। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ ना तो सर्दी लगती है, क्योंकि यहाँ का पानी बहुत गर्म है। और अभी आप ऊपर देख सकते हैं बारिश तेज़ हो गई है, मुझे अभी यहाँ से फौरन निकलना चाहिए। एक ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप यहाँ पर आते हैं और ग्रुप की शक्ल में हैं तो अपने साथ एक रस्सी ज़रूर ले आइए, 10-15 फीट की रस्सी ज़रूर लाइए, ताकि आप ये पानी पार कर सके आराम से। मैं नहीं कर सकता, उसकी वजह ये मेरे साथ कैमरे है, इक्विपमेंट है, तो मैं नहीं कर सकता। और दूसरी बात, अहम बात, अगर आप ऐनक पहनते हैं मेरी तरह तो ऐनक का जो तार है ना वो साथ ज़रूर लाइए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं खुल के नहीं नहा सकता कि मेरे ऐनक गिर गए ना तो भाई जान सब कुछ ख़त्म हो गया, फिर मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा, घर कैसे वापस जाऊँगा। इस आबशार से आगे और इसके आसपास और भी बहुत आबशार हैं, लेकिन आज मेरी किस्मत के साथ साथ मौसम भी ख़राब है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी सी बारिश के बाद यहाँ पर अचानक सैलाब आ जाता है, और इसी डर की वजह से इस मकाम को मैं मजीद एक्सप्लोर नहीं कर सका। मैंने ड्रोन उड़ाने की कोशिश की लेकिन बारिश ने उसकी भी इजाज़त नहीं दी। बारिश से तो बच गया लेकिन वापसी करते वक्त एक बड़ा मुसीबत मेरा इंतज़ार कर रहा था। उस मुसीबत पर मैंने अलग सी वीडियो बनाई है, वीडियो का लिंक पहले कमेंट में मौजूद है। मिलते हैं बलूचिस्तान की एक न्यू मकाम और न्यू कहानी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।